और बड़ी खबर इटली के अपुलिया से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच चुके हैं। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। आपको बता दें कि इटली में इस बार के G7 सम्मेलन का मुद्दा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भू मध्य सागर। तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। तो G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल इटली पहुंच चुके हैं और इसके अलावा दूसरे देशों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता बताई जा रही है। इस बीच में ये भी खबर निकल कर आई थी कि जेलेंस्की से भी वार्ता कर सकते हैं, फिलहाल संभावना जताई गई थी, लेकिन इस बीच में पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के बाद ये पहला विदेश का दौरा बताया जा रहा है, जो कि इटली में जहां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया वहां अपनी मेजबानी करने के लिए भारत पहुंच चुका है। और अब खबर जयपुर से है, जहां जयपुर योग महोत्सव 2024 का आयोजन जो है चित्रकूट स्टेडियम में योग विशेषज्ञ करवा रहे। बता दे चले कि योगासन स्वास्थ्य जयपुर स्वच्छ जयपुर के स्लोगन से ये आयोजित हो रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग योगा के लिए, क्योंकि इन पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में कहें, और तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहे उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर नजर आ रहे। योग महोत्सव के मुख्य अतिथि के तौर पर इनको बुलाया गया है। जयपुर नगर निगम, ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर भी कार्यक्रम में मौजूद है। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं जो कि योग करते हुए यहाँ पर अभ्यास करते हुए जयपुर से। ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर फिलहाल दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर दो तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें बहुत सारे लोग, उद्योग मंत्री जो है राज्यवर्धन सिंह राठौर, महापौर सौम्या गुर्जर भी पहुंची है। तो जयपुर योग महोत्सव 2024 का ये आयोजन, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए आप देख पा रहे हैं जहाँ पर ये मंच और यहाँ पर लोग योग करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं योग करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग भी वहां पर मौजूद है, जरा बातचीत करिए और एक बार तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल देखिए, इस वक्त हम चित्रकूट स्टेडियम में, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जयपुर को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि यूथ मिनिस्टर भी हैं, वो यहाँ प्रोत्साहन के लिए पहुंचे। जो खेलेगा वो खिलेगा, ये स्लोगन यहाँ पर खुद मंत्री युवा जो मामलों के मंत्री है वो दे रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से सर इस पूरे जो योग महोत्सव इसको लेकर आए। देखिए, शरीर को स्वस्थ रखना ये हमारे लिए सबसे पहला कमिटमेंट होना चाहिए। मांसपेशियों के खिंचाव को अनुभव करें, अपने खुद के लिए ही कमिटमेंट नहीं होंगे, खिंचाव को अनुभव करें, किसी दूसरे के लिए या समाज के लिए, देश के लिए कैसे कमिटमेंट। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड से घुमा के आप नीचे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश और प्रोडक्टिव होने के लिए, स्वस्थ स्वच्छ भारत के लिए, स्वस्थ भारत के लिए एक आह्वान करा है। योग हमारा एक बहुत पुरानी परंपरा रही है, एक एक्सरसाइज का हर तरह से माध्यम रहा है। सो शरीर को, हमारे मन को और हमारी आत्मा को एक करने का एक माध्यम है ये, स्ट्रेच करेंगे जो सभी को करना चाहिए और शरीर को स्वस्थ रखना, हमारे माइंड को और फोकस बना रहा है, हम इस बात को अनुभव करेंगे, ज्यादा काम करेंगे और दोनों हाथ पीछे से घुमा के पूरे देश के अंदर अब एक परम एक एक वृक्षासन की स्थिति में आ जाएंगे रैली की तरह शुरू होगी। हर तरफ आप देखेंगे योग हो रहा है और 21 जून को वर्ल्ड योग डे मनाया जाता है, दुनिया के अंदर योग को आज माना जा रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का काबिलियत है कि उन्होंने पूरे देश पूरी दुनिया के अंदर योग को स्थापित करा और ये हमारे लिए एक कमिटमेंट रहना चाहिए कि हम सब थोड़ा भी समय मिले उसके अंदर कुछ न कुछ एक्सरसाइज करें। हमारे को शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहिए और हमें मन को भी स्वच्छ रखना चाहिए। मन स्वच्छ रखता रहता है सही सोच से, पॉजिटिव सकारात्मक सोच से, और शरीर स्वस्थ रहता है अच्छा भोजन करने से, सही समय रेस्ट करने से और सही व्यायाम करने से। आप युवा एवं खेल मामला विभाग के मंत्री भी हैं, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आप फिटनेस करते हैं, जो हमारे प्रदेश में यूथ को आगे खेलों में बढ़ने के लिए किस तरीके से योग और सब पर फोकस कर रहे हैं।
हर एक आसन को दोनों तरफ से किया जाता है ताकि आपके दोनों ब्रेन आपके एक्टिविटी हर रोज। और जब घर में बच्चे आते हैं तो माता पिता को देख के सीखते हैं, तो माता पिता को भी अपना कुछ समय निकालना चाहिए जब वो बच्चों के साथ खेलें, बातचीत करें। एक जो कम्युनिकेशन है बच्चों के साथ वो आजकल खत्म सा होता जा रहा है, वो बहुत ही गलत चीज है। आप जो आपके सुनने वाले मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि क्या आपको यहाँ में एक अजीब बात नहीं लगती कि माता पिता आज बच्चों के ऐसे दोस्त नहीं है जिन्हें वो सब कुछ बता दें? तो हमें ऐसा बनाना है और उसके लिए हमें जो अपने बच्चों को जो जजमेंट हम करते हैं वो जजमेंट करना बंद करना है, हमें स्वीकार करना है कि वो जैसे हैं, हमें स्वीकार करना है। तो फिर वो मित्र बनेंगे, फिर वो आपको पूरी बातें बताएंगे, फिर आप फिर भी उनको थोड़ा बहुत आप गाइड कर सकते हैं। और दूसरा एक कमिटमेंट है कि हम सबको स्वस्थ रहना, और कमिटमेंट के लिए आपको समय निकालना ही। अगर आप खुद ही के लिए समय नहीं निकाल सकते तो आप दूसरों के लिए कैसे समय निकालेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके मंत्री हैं उन्होंने साफ कहा है कि उनका मकसद जो स्कूली बच्चे हैं हर घर तक जो है स्वस्थ। राकेश बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए। बता दें कि 10 जून से ही जयपुर जो योग महोत्सव है वो मनाया जाता है। खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि 45 भारतीयों के शव आज भारत आ जाएंगे। कुवैत से भारत लाए जा रहे हैं ये सभी भारतीयों के शव। कल ही विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन वहां पहुंच चुके थे। तो देखिए वायुसेना का विशेष विमान जो है वो शव ला रहा है। विमान से 45 भारतीयों के शव लाए जा रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन भी विमान में सवार, और थोड़ी ही देर में कहा जा रहा है कि कोची जो है पहुंचेगा IAF का विमान। तो कुवैत अग्निकांड में 45 भारतीयों की मौत हुई है, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि कुवैत में घायलों से जो है विदेश राज्य मंत्री जो है उन्होंने मुलाकात भी की है। तस्वीर भी हम आपको ये टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 45 भारतीयों के जो शव है वो आज भारत आएंगे। बता दें कि कुवैत अग्निकांड ने सबको देश भर में हिला के रख दिया, जहां पर बताया जा रहा है कि 6 मंजिला वो रिहायशी इलाके में सुबह 4:15 बजे जब सब नींद के आगोश में थे तभी बेसमेंट में किचन में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतनी तेज था कि वहां पर उस बिल्डिंग में 160 प्रवासी कर्मी थे जिनको निकलने का मौका नहीं हुआ। यहां तक कि बचाव जो वर्कर्स थे उन्होंने ये बताया कि तंग रास्ते होने की वजह से भी लोग नहीं निकल पाए, जिसमें 50 लोगों की मृत्यु की खबर आई थी। 45 लोगों की पुष्टि हुई जिसमें भारतीय हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बैठक भी ली, 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात भी कही गई थी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन वहां पर पहुंचे और विशेष विमान के जरिए उन सभी के शव को भारत लाया जा रहा है। फिलहाल कुवैत के अग्निकांड से इस बड़ी खबर, 45 भारतीयों को आज अपने देश लाया जा रहा है। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, 3 जुलाई से भजनलाल सरकार का बजट सत्र शुरू होगा। 10 जुलाई को भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। बताते ये भी चले कि राजस्थान के 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र होगा। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही शुरू होगी और इसके लिए सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की जाएगी। तो 3 जुलाई को सदन में शोकाभ्यक्ति होगी और आपको बता दें कि 10 जुलाई को बतौर वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी और इसके बाद अगले 3 दिन बजट पर बहस होगी और राज्य सरकार की ओर से सदन में जवाब पेश किया जाएगा और इसके बाद 8 बैठकों में कई विभागों से संबंधित मांगों पर सदन में चर्चा के बाद पारित होगी। तो विधानसभा के बजट सत्र में इस बार कांग्रेस हमलावर रहेगी। बजट सत्र के दौरान गहलोत सरकार की योजनाओं को आगे जारी रखने या फिर बंद करने के मुद्दे पर भी तनातनी होगी, क्योंकि इस पर सब कमेटी भी बना दी गई है मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के द्वारा कि जितने भी जिले बनाए गए थे, जितने भी संभाग बनाए गए थे, उसका भी निरीक्षण किया जाएगा। भजनलाल सरकार इस पर सदन के भीतर अपना रुख साफ करेगी कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। बिजली पानी सहित कई मुद्दों पर कांग्रेस घेरने की कोशिश करेगी। बजट की तैयारी तेज हो गई है। 3 जुलाई से यह बजट सत्र शुरू होगा। नई भर्तियों की घोषणा होने के आसार बताए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनते ही भजनलाल सरकार ने कई सारी घोषणाएं की थी। अंतरिम बजट में कई सारी घोषणाएं की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग लग गया था, आचार संहिता लग गया था, तो धरातल पर उतारा नहीं गया था। भरसक संभावना ये जताया जा रहा है कि इस बजट में उसको लागू करने की बात कही जाए। और बात अब दबंगों की, दबंगई की कर लेते हैं, जहां आबू रोड में फिल्मी अंदाज में दबंगई का मामला सामने आया है।
दरअसल अन्नपूर्णा रसोई में दिन दहाड़े गले से पैसे निकाल करके लोगों को धमकाने का मामला सामने आया है और खुलेआम तलवार लहराते दबंगों की ये जो करतूत है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। हालांकि इस दौरान लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया और आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन इस घटना से इलाके में खौफ जरूर मच गया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, आबू रोड की ये तस्वीरें हैं जहां तलवार लेकर अन्नपूर्णा रसोई पहुंचा था ये दबंग। सूझबूझ का परिचय जरूर दिया गया, लेकिन जिस तरह दबंग गई दिखाते हुए ये शख्स नजर आ रहे हैं, इनके अंदर ये जाहिर है कि पुलिस का प्रशासन का कोई भी खौफ नहीं है। चलती फिरती रोड पर जिस तरह तलवारबाजी या तलवार लहराते हुए ये दोनों शख्स नौजवान दिख रहे हैं और नजर आ रहे हैं। फिलहाल अन्नपूर्णा रसोई पहुंचे थे ये दबंग और कार्रवाई अब की गई है। ये आबू रोड से सीधे तस्वीरें। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर भी अब गुंडागर्दी का साया मंडराने लगा है। आज आबू रोड में संचालित अन्नपूर्णा रसोई के अंदर गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया। यहाँ कुछ बदमाशों द्वारा धारदार हथियार से तलवार से संचालकों पर हमला किया गया और ये घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया जाए। और मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में जयपुर जिला प्रशासन पाक विस्थापितों को नियम एवं पात्रता अनुसार भारतीय नागरिकता प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की इसी संवेदनशीलता के चलते बरसों से भारतीय नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे 6 पाक विस्थापितों के लिए गुरुवार का दिन खुशियों भरा रहा। कलेक्ट्रेट में 6 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे गए। जयपुर जिला प्रशासन द्वारा अब तक कुल 325 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा चुकी है और अरसे बाद नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने पर शंकर लाल ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पाक विस्थापितों का बरसों का जो इंतजार है वो खत्म हुआ है और साथ ही ये कहा कि आज कई सालों का लंबा इंतजार खत्म हुआ है। तो 6 और विस्थापितों को ये नागरिकता, तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। जयपुर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए अब तक 325 पाक विस्थापितों को नागरिकता मिल चुकी है। और राज्य मंत्री ओटाराम दिवासी की फोटो लगाकर फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी ग्रुप बनाकर 80,000 लोगों को ग्रुप से जोड़ने और उसमें अपमानजनक सामग्री अपलोड कर छवि खराब करने का मामला सामने आया है। हालांकि राज्य मंत्री ओटाराम दिवासी के निजी सहायक ने इस मामले में सिरोही साइबर थाने में रिपोर्ट दी है, लेकिन इस मामले में अभी जांच जारी है। इस मामले में राज्य मंत्री ओटाराम दिवासी का ये कहना है कि उन्हें ये बात कुछ लोगों ने ध्यान मिलाई, जिसके चलते साइबर पुलिस थाना सिरोही में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए दी गई है।